और ये सत्संग क्यों करने आए हो? सिर्फ इसीलिए कि पुत्र अपने पुत्र धर्म को भूले ना, लाड़ी अपने बहु धर्म को भूले ना, माता पिता भी अपना धर्म भूल ना जाए। सबको अपना अपना धर्म याद दिलाने की जिम्मेदारी संत की है। संत का काम इतना ही नहीं, खाली भोजन भंडारा करे बस। हाँ, सानंदम सदनम सदा सुधिया कांता प्रिया लापनी, इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाग्य परा सेवका, आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रवा। मैंने चाणक्य का नाम प्रारंभ में लिया था, वहां से प्रवचन पढ़ा था कि चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं तो वो कौन सा गृहस्थ है, वो कौन सा घर है जिस गृहस्थ को धन्य कहा जा सकता है, अर्थात गृहस्थ आश्रम धन्य कैसे हो सकता है। तो चाणक्य कहते हैं सानंदम सदनम, एक एक बात अमूल्य चाणक्य कह रहे हैं, बस ध्यान से सुनना और याद ना रहे तो फिर मोबाइल में सुनना, पिन ड्राइव में ले लेना प्रवचन के, पिन ड्राइव मेमोरी कार्ड, प्रवचन की किताबें ले लेना, वहां कहीं दुकान खुली होगी उसको पढ़ना याद करना। सानंदम सदनम, जिसके घर में सदैव आनंद रहता है वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। जिसके घर में कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहती, उलझन रहती है, तनाव रहता है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य नहीं। जिस घर में आनंद ही आनंद बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की, जहां किसी गुरु की कृपा बरस रही है सुंदर स्वभाव है, आनंद आ रहा है, ऐसा घर धन्य होता है। आपका घर भी सुंदर होना चाहिए, लेकिन घर में रहने वाले लोग भी सुंदर होना चाहिए, और जो सुंदर लोग रह रहे हैं उनका स्वभाव चरित्र विचार वाणी भी सुंदर होना चाहिए, उनके कर्म सुंदर होना चाहिए। केवल घर सुंदर होने से शांति नहीं मिलेगी, घर वाले भी सुंदर होना चाहिए। अब घर वालों की केवल सुंदर होने से शांति नहीं मिलेगी, कृपया उनका स्वभाव भी सुंदर हो, चरित्र भी सुंदर हो, तब आपके घर में शांति और आनंद आता रहेगा। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया, और जिस गृहस्थ के लड़के बुद्धिमान हैं, आज सुबह वीरेंद्र दुबे कह रहे थे जगदीश सिंह चौहान के दो बच्चे हैं राजेंद्र और महेंद्र, दोनों ने अपने पिताजी को फ्री कर दिया है, पूरा कारोबार ठीक से संभाल लिया, लड़के बुद्धिमान हो सब कारोबार संभाल लिया। जिस गुरु के शिष्य बुद्धिमान हैं वो गुरु को आनंद ही आनंद रहता है, और जिस गुरु को मूर्ख शिष्य मिले हैं सब उल्टा पलटा काम करते हैं, वो गुरु भी असमंजस में रहेगा। और जिस माँ बाप को मूर्ख बेटा बहू मिले, जहाँ बाल्टी रखना चाहिए वहाँ रजाई रखते हैं, और जहाँ घड़ी रखना चाहिए वहाँ लोटा रख देते, उलुल जुलुल सामान है। कितने घरों में मैं देखता हूँ घर अच्छा है और बेड अच्छा है, और बेड पर गद्दा अच्छा है, और गद्दे के ऊपर चादर अच्छी, तकिया अच्छी, लेकिन सब उलझा पड़ा है, लगत ही मां जानवर सब उलझे नहीं रौंदी नहीं कोई ठीक ठाक नहीं है, सब उलझ पुलझ के रौंद फौंद के, और सब गंदई लोग गंजड़ बना देने, कोई सुधारने वाला नहीं, चादर भी टेढ़ी बिछी है। सिटिंग करेगा, बुद्धिमान बहू होगी, बुद्धिमान स्त्री होगी तो आपके घर के सामान की सिटिंग रहेगी। और बुद्धिमान भी है लेकिन यदि आलसी है तो भी सिटिंग नहीं रहेगी, पुरुषार्थी भी होना चाहिए। कितने लोग बुद्धिमान बहुत है
पर आलसी इतना है कुछ करना ही नहीं चाहता है, बस बैठा रहता माटी का धोंधा। आलस्य को भी हटाइए। और याद रखना, यदि अंदर अभिमान है तो भी आदमी कार्य नहीं कर सकता है। बुद्धिमान है और अभिमान है तो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अभिमान कार्य करने से रोकता है कि झाड़ू लगाओगे तो अपनी इज्जत का क्या होगा। लेकिन सोचना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराया था तो उनकी इज्जत का क्या हुआ, गौएं चरा कर भगवान बन गए। राम ने वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर लकड़ी तोड़कर लाते थे, गाय को स्नान कराते थे तो राम भगवान बन गए। और तुम झाड़ू लगा दोगे तो तुम क्या कहीं नीचे गिर जाओगे, तुम महान बन जाओगे। अपने घर के सभी कार्यों को हंसते हंसते कीजिए, प्रेम से कीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। कर्मयोगी बनिए और घर बनाने में भी थोड़ा विवेक भी कीजिए। घर को नीचे मत फैलाइए आप ज्यादा, नीचे जगह छोड़िए। गाड़ी खड़ी करने, गाड़ी थोड़ी तीसरी मंजिल पर खड़ी होगी जाकर, भैंस थोड़ी चौथी मंजिल पर बांधोगे। हाँ, भैंस के बांधने के लिए जगह छोड़ो। मेहमान 150 आ जाए उनकी गाड़ियां खड़ी हो जाए। घर अगर आपकी मीडियम फैमिली है, छोटा परिवार है, तीन कमरे नीचे बनाइए, लेट बात किचन बना दीजिए और नीचे मंजिल में मेहमान और सामान रखिए, उसमें तुम मत रहिए। दूसरी मंजिल में दो कमरे लेट बात किचन, वहाँ तुम रहिए। तीसरी मंजिल में फिर एक कमरा लेट बात किचन, वहाँ बेटे को रख दीजिए, बेटा बहू। कभी गुस्सा भी हो तीसरी मंजिल से कूद जाने दो उसको। सबसे ऊपर रखो उसको, आराम करने पर, ताकि उसको जगाने के लिए भी सीढ़ी चढ़ने में तुम्हारी हिम्मत न पड़े। ऊंचा मकान अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, दूर से दिखता है, ऊपर हवा भी लगती, कीड़े मकोड़े भी रेंग कर ऊपर नहीं पहुंचते। और नीचे मंजिल में तो सब कीड़े उड़े सब रेंगते रहते हैं, सांप बिच्छू जो भी देखो सब नीचे घुसता रहता है, नो एंट्री है फिर भी जा रहा है। इसलिए ऊपर मंजिल। अभी हम आश्रम बनाएंगे जो यहाँ उज्जैन में, आश्रम बनाना हमारे शिष्यों को, भक्तों को मिलकर बनाना, बहुत सुंदर बनाएंगे। गवर्नमेंट की अगर रोक नहीं हुई तो 14 मंजिल ऊंचा बनाऊंगा, लिफ्ट में बैठो चले जाओ फट से। नीचे की जगह खाली पड़ी रहे, 20,000 गाड़ियां भक्तों की खड़ी हो, नीचे भोजन की पंगत हो, नीचे सत्संगी लोग बैठे 1,00,000 की संख्या में, ऊपर सब सोए जा करके, बस लिफ्ट से जाइए। सीढ़ी भी रहेगी, कहीं लिफ्ट बिगड़ जाए तो वहां फंस जाओगे तो सीढ़ी भी रहेगी, दो लिफ्ट रहेगी ताकि एक बिगड़ जाए दूसरी सुधरो। व्यवस्था सब सही, बिल्कुल लेटेस्ट, बढ़िया, ऊंचा, ऊपर हवा खाओ, अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, इंजीनियर से नक्शा लेकर बनाओ। और देहात में गांव में तो घर के आगे भी जगह छोड़ो, बाउंड्री खींच दो पूरी जगह में, और पीछे भी छोड़ो, पीछे पशु जानवर गाय भैंस भूसा गोबर कंडा और वो ट्राली ट्रैक्टर गाड़ी सब पीछे खड़ा करो, ताकि पीछे महिलाएं भी गाय भैंस की सेवा कर सके। और जो महिलाएं गाय भैंस की सेवा करेंगी वो बीमार नहीं होंगी। जिन महिलाओं के हाथ में गोबर छू जाएगा उनका आधा रोग निकल जाएगा। और जो महिलाएं भैंस का पड़वा भागे उसको रपटाए तो उसका हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत इलाज की बात है, इसलिए एक एक दो दो गाय पालना चाहिए, 10-10 गाय पालो। बछड़ा अपनी ओर खींचे तुम अपनी ओर खींचो, खींचा खींची में तुम्हारा हार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात बता रहा हूं। और गाय का शुद्ध दूध
अपने घर का दूध जब पियोगे एक गिलास, वो अमृत है। दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, और सत्संग संपूर्ण शांति की चाबी है। आपका घर सुता सुधिया कांता प्रिय लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रिय स्वभाव की है, बहुत प्रेम रखती है सभी से, उस घर को धन्य कहा जाता है। जिस घर में इच्छा पूर्ति धनम, आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, कंगाली नहीं है, जिसको जो आवश्यकता है वो मिलता है, वह घर भी धन्य है। इसलिए नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। दारिद्र नाशनम दानम, उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करने से दरिद्र का नाश होता है। इसलिए कर्म योगी बनो, इच्छा पूर्ति धनम सो योषित रति। और जिस घर में पति का प्रेम अपनी पत्नी में है, ये भी बहुत कठिन काम है। दूसरे की पत्नी में लोग ज्यादा ललचाते हैं, अपनी पत्नी से हंसते नहीं, मुस्कराते नहीं, और दूसरे की पत्नी मिल गई तो खूब हंसत मुस्कराते, तब लगता है इंद्रलोक के देवता आए। अपनी पत्नी से बात करते हैं तो लगता रावण खड़ा गरज रहा है। अपनी पत्नी से हंसो और मुस्कराओ, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, दूसरे तरफ नहीं। सबसे खुश रहो अच्छी बात है, लेकिन अपनी पत्नी से आपका पूर्ण प्रेम होना चाहिए। और जिस घर की स्त्रियों का पूर्ण प्रेम अपने पति से है, वह घर धन्य है, गृहस्थ आश्रम धन्य है, और उस घर में स्वर्ग जैसा सुख निवास करता है। थोड़ा जोर से ताली बजाए, कोई इतना मरे मराए क्यों? सोयोषित रहती स्वाज्ञा परासेव का। और घर के काम करने वाले कार्यकर्ता सब आज्ञाकारी है, जो आज्ञा। तो ऐसे जिसके घर के कार्यकर्ता आज्ञाकारी है, इशारे से काम करते हैं, उस घर को धन्य कहा जाता है, और वहां पर सुख निवास करता है, सुख रहेगा। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे। और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, जिस घर की स्त्रियां अतिथि के आने पर खुश होती हैं, मेहमान को देख करके कि चलो चाय बना देती हूं, वो घर धन्य है और वहां स्वर्ग है। जिस घर की स्त्रियां मेहमान को देख करके उनको क्रोध आता है, ये भूत आया है, हमें चाय बनाना पड़ेगा, वो घर नरक है, वहां शांति नहीं रहेगी। प्रतिदिनम शिव पूजनम, जिसके घर में प्रतिदिन इष्ट देव की पूजा होती है, गुरुदेव का ध्यान होता है, रोज प्रवचन सुना जाता है, रोज ज्ञान कथा सुनी जाती है, ऐसे घर में चाणक्य कहते हैं स्वर्ग जैसा सुख रहता है। प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिसके घर में कभी कभी मीठा पकवान भी बनता है, रूखा सूखा ही नहीं खाया जाता है। कोई उत्सव पर्व हो ना हो, लेकिन कभी कभी पकौड़ी भी बन जाती है, और कभी कभी थोड़ा सा मालपुआ भी बनाकर खाते हैं, और कभी कभी खीर, कभी कभी सेमई, कभी कभी हलवा, रोज नहीं कभी कभी, वो घर भी धन्य माना जाता है। ऐसा साधो संगम उपासते, और जिस घर में संत का सत्संग गूंजता रहता है, उसकी आवाज गूंजती है,